हेलो फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ अनदर रिडल. दिस इज कॉल्ड द अल्फा न्यूमरिक रिडल. ठीक है, ये भी ओलंपियाड्स में पूछा जा चुका है. सो द क्वेश्चन इज, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी एंड दे आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9. और ये कंडीशन दिया है आपको, ए ए ए प्लस बी 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 प्लस सी 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 इज इक्वल टू बी ए ए सी. और क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और सी की जो वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग है, और 1 to 9, 1 से 9 में आती है, या 1 हो सकती है, 2 या 3 या 4, और सबकी वैल्यू अलग होगी. मतलब ए की अगर 1 है तो फिर बी की 2 होगी या कुछ और होगी, सी की मतलब सेम वैल्यूज़ नहीं होंगे. ठीक, एंड यू हैव टू फाइंड दिस सम एंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. अब देखो, यहाँ पे सॉल्व अगर करना है तो अगर आप हिट एंड ट्रायल यूज़ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए सम वाला, तो सबसे पहले सम में आप ये निकाल लो कि इस बी ए ए सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाती है. ध्यान रखना, जब भी अल्फा न्यूमरिक रिडल आते हैं, कभी भी ऐसे रिडल आ जाएं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन नंबर, या जो भी आपका ये अल्फा न्यूमरिक दिया है. ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी. मैंने ए को 9 ले लिया, मैंने बी को 8 ले लिया, और मैंने सी को 7 ले लिया, तो कितना आएगा, 999 प्लस 888 प्लस 777. इसको आप ऐड करो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24 का 2, 2 एंड 9 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 7 26 का 2, सेम थिंग. दिस विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सॉल्यूशन. अब अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे आ गए हैं, तो अपन b की बात करते हैं. ये जो b यहाँ पे दिया, b की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी जा रही है, 2. अब अपन पॉसिबिलिटीज़ पे आते हैं कि बी की और वैल्यू क्या हो सकती है. मैक्सिमम तो 2 है, 2 से छोटा क्या है, 1 है. और अगर आप देखो, अगर आप 0 पे जाओ तो यहाँ पे 0 ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ए बी एंड सी हैव गॉट वैल्यूज़ फ्रॉम 1 to 9. तो सबसे पहला काम क्या करना है ऐसे रिडल को सॉल्व करने के लिए, पहले आप इस सम की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकाल लो. जैसे आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, तो जो आपका ये जो आपका डिजिट है, जो आपका यहाँ पे 1000 प्लेस में है, उसके आप प्रोबेबल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लोगे. तो अब मुझे ये पता है कि बी की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, और 2 से कम क्या है, बी की वैल्यू या तो 1 हो सकती है. बी की वैल्यू इन्हीं दो वैल्यूज़ में फ्लक्चुएट करेगी, इसके अलावा फ्लक्चुएट नहीं कर सकती है. तो अब अपन बी की इन्हीं दो वैल्यू को लेके सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब देखो, सो बी की वैल्यू मैंने ले ली ए ए ए, 1 1 1, सी सी सी, यहाँ मुझे क्या मिला, सी, यहाँ मुझे क्या मिला, ए, यहाँ मुझे क्या मिला, ए, और यहाँ मुझे क्या मिला, 1. फिर मैं ए की जो दूसरी, बी की जो दूसरी वैल्यू उसको ले लूँगा, ए ए ए, बी की वैल्यू 2 2 2, सी सी सी, यहाँ मुझे क्या मिला, सी, यहाँ मुझे क्या मिला, ए, यहाँ मुझे क्या मिला, ए, और बी की वैल्यू मैंने मानी है 2. ये मेरे पास दो केसेस आते हैं. ठीक है, आई हैव गॉट दीज टू केसेस. अब मैं पहले केस में आता हूँ, बी प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू सी, ऐसा आ रहा है, बी प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू सी. अब ये सम कब पॉसिबल है, जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल मैंने दिया, 2 प्लस 4 प्लस 6, ये कितना आएगा, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 2 12. तो सी यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो सम वाला नंबर अगर नीचे आ रहा है, मतलब उसमें जो बाकी दो नंबर ऐड हो रहे हैं वो मिलके कितना बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं. अगर कोई डिजिट का आप सम कर रहे हो और वही डिजिट आंसर में भी आ रहा है, तो इसका मतलब बाकी जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना हो रहा है, 10. तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
देखो यहाँ पे, सॉरी मैम ने बी लिख दिया, यहाँ पे ए आएगा। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस वन प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस टेन, लिख सकता हूँ मैं। ये जो भी चीज़ें यहाँ मैंने बताया ना, ये आंसर कितना आया, ये 12 आया। तो इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इसमें 10 और ऐड कर दिया। सी और सी कैंसिल हो गए, ए का वैल्यू कितना आया, 10 माइनस 1 दैट इज 9, ए का वैल्यू 9 आ गया। तो अब मैं ए को यहाँ पे 9 से रिप्लेस कर देता हूँ, 9 और 9। अब मुझे दूसरे केस पे जाना है, यहाँ पे भी a प्लस 2 प्लस सी विल गिव c। फिर से मैं करूँगा, लिख दो यहाँ पे a प्लस 2 प्लस सी गिव c, मतलब इन दोनों डिजिट का सम कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो आप सिंपल कर लो, 10 माइनस 2 कितना आया, 8, c और c कैंसिल, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। तो यहाँ पे मैंने a को रिप्लेस कर दिया 8 8 8, क्लियर है। नाउ सी, अब यहां भी देखो आपका, यहां भी मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए को 8, यहां भी मैंने रिप्लेस कर दिया 8, यहां पे 9 है, यहां मैंने रिप्लेस कर दिया 9, और यहां भी रिप्लेस कर दिया 9। अब मेरे पास दो आंसर आते हैं, 288C या 199C। बट अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी, मैक्सिमम वैल्यू थी 2664, और यहाँ पे आंसर कितना रहा है, 288C, मतलब ये तो ज़्यादा हो गया ऑब्वियस है। तो ये वाला अपना जो ऑप्शन है क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसलिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए कहा था, नहीं तो आप इसके साथ भी जा सकते थे। तो ये वाला ऑप्शन क्यों रॉन्ग हो गया, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट की थी 9, 8 और 7 पुट करके, उसमें आंसर कितना आ रहा था, 2664। नाउ वी विल लीव दिस थिंग, मैंने इसको छोड़ दिया। तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 1 है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, 999111 सी 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 विल गिव 199C। अब इसको आप ऐड कर दो, 999 प्लस 111 कितना आएगा, 10 1 1110, ओके कितना आंसर आया, 1110। अब 1110 को आप माइनस कर दो, किससे माइनस करोगे, 199C माइनस 1110, इस सम को, इस पूरे सम से माइनस कर दो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितना मिलेगा, सी में 0 गया सी, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8, 1 में 1 गया 0, तो सी 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 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 8 8, तो फाइनली सी की वैल्यू कितनी आ गई, 8, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1998। So this is how you have to solve this particular riddle. I hope it is clear to you. If it is unclear, please watch the video. Again, you will get a clear knowledge.